कोरोना महामारी को काबू में करने का अभी एकमात्र तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन महामारी के इस दौर में वैक्सीन पर अमीर देशों का कब्जा हो गया है, जबकि गरीब देशों के हाथ में न के बराबर वैक्सीन आई है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है, जहां आज हालात भयावह बने हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गेब्रेसस ने वैक्सीन की पहुंच को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि दुनिया की 0.3% कोरोना वैक्सीन की गरीब देशों तक पहुंच पाई है, जबकि अमीर देशों के पास 82% वैक्सीन है। एक कार्यक्रम में डॉक्टर गेब्रेसस ने कहा है कि दुनिया भर में अभी तक 1 अरब से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज हैं। इनमें से 82% डोज अमीर और अपर मिडिल इनकम देशों के पास हैं। WHO प्रमुख ने कहा कि गरीब देशों तक अब तक 0.3% डोज ही पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है कि महामारी के दौर में वैक्सीन सब तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की नींव है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।